करीना कपूर ने आज के दिन कहा है कि प्यार में भूखा क्या मरना, और इसी को हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से सोच रही हैं, वो महिलाएं जो आज के दिन व्रत रखती हैं, तैयारी करती हैं, और या वो महिलाएं जो सोचती हैं कि करीना ने जो कहा शायद सही भी है, क्योंकि आजकल का जो जमाना है जिस तरह से जो आदमी होते हैं या जो हस्बैंड होते हैं जो बिहेव करते हैं, मारते पीटते हैं या वो करते हैं, तो उससे ये प्रूफ नहीं होता कि व्रत रखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो समझती हैं कि व्रत रखना बहुत जरूरी है, और एक ये प्यार है, एक ये एहसास होता है, या यूं कहें कि एक मजबूत बंधन है, और उसके लिए जब रखते हैं व्रत तो बहुत खुशी होती है अंदर से। तो ये भी एक हमें रिएक्शंस भी मिल रहे हैं और सोच भी सामने आ रही है कुछ महिलाओं की। रुझान, आप जो बताने की कोशिश कर रही हैं आज कि जो महिलाएं इस बात के लिए कह रही हैं कि व्रत रखना बहुत जरूरी है, और उनके अंदर कोई ऐसा कोई बात नहीं है, वो दिल से व्रत रखती हैं, प्यार के लिए रखती हैं व्रत, और उनका मतलब कुछ और नहीं होता, उनका मतलब फरेब नहीं होता, धोखा नहीं होता, एक अच्छी चीज है, इसे निभाने में क्या गलती है? हाँ सही है, जो बताए ना कि जो आदमी दिल से रखता है, जरूरी नहीं है जैसे कि मैं बीच में मेरे को ये जो जैन लोग करते हैं, मुझे मूड आया वो अंदर करने का, तो मैंने अंदर किया, इट वॉज जस्ट माई विश के आई वॉन्टेड टू डू इट, उससे मेरे को मेरे ये नहीं देख रही थी मेरे को क्या लाभ होने वाला है क्या नुकसान होने वाला है, इसलिए जिसको दिल से करना है वो करेगा। कमिंग बैक टू करीना, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, मुझे खास बोलना है कि उसने ऐसा कोई ऑफेंडिंग स्टेटमेंट नहीं मारा था कि दूसरी लड़कियां करती है वो बेवकूफ है या उनको नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं बोला, उसने सिर्फ खुद के लिए बोला कि भाई मैं नहीं मानती कि मेरे को प्यार दिखाने के लिए व्रत रखना है, मैं खा पी के मजा करती हूँ, इसके लिए हम लोग उसके पीछे क्यों पड़े रहे? अगर वो सेलिब्रिटी है तो अभी रिस्पेक्ट करके एज अ सेलिब्रिटी उसने अपना मिस अवेयर नहीं किया आइडेंटिटी, और उसने सही अपने इसे अपना बयान दिया। सो कमिंग बैक टू द होल थिंग, शॉर्ट ऑफ लॉन्ग मुझे यही कहना है कि अगर जिसके दिल में है कोई भी कास्ट रिलीजन हो, अगर दिल में है तो करो, अगर नहीं है तो मत नहीं करो। और अगर कमिंग बैक टू द मेन फैक्टर, जो मर्द लोग वाइफ को मारते हैं, ये करते वो करते हैं, तो मुझे रिक्वेस्ट है ये सब बहनों को जो ये बोल रही है कि हमें व्रत रखते हैं और जो कहती है कि व्रत रखना चाहिए वरना बहुत खराब होगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, उन्हीं बहनों को मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि बहन आपकी कम्युनिटी में जाइए, आपकी सोसाइटी में जाइए, और वहीं पर जो बेचारी मेरी दिल से व्रत रखती है उनके भी हस्बैंड उनको मारते हैं पीटते हैं, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, जिसके कारण हमारी ये दशा हुई है वुमेन्स की, सेफ्टी और सिक्योरिटी की। आपसे पहले रिक्वेस्ट है इन बहनों को कि आप पैनबड़ी करके पहले वो भाई लोगों को बोलो कि आप ऐसा क्यों करते हो, उनको भगवान का वास्ता दो जो भी आप हमको भगवान का वास्ता देते, और उनको बोले कि ये सही बात नहीं है, और उनको आपको लगता है, रुझान आपको लगता है कि हस्बैंड्स को व्रत रखना चाहिए, जो परंपरा चली आ रही है उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि आदमी को ऐसा सोचना चाहिए? नहीं, नथिंग नथिंग सी, आई गेट रिपीट के हर रिलीजन में नहीं है कोई, आई नो बडी टू से हस्बैंड एंड वाइफ, हर रिलीजन में उनका वो, जैसे कि मैं अगेन रिपीट करती हूँ, जैनिज्म में है, मुस्लिम में है, जिसके रिलीजन में जो है वो रखो, अगर हस्बैंड को भी दिल से होता, जैसे कि अगर हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखेंगे, तो उसमें वो शाहरुख खान ने भी व्रत रखा था, वो तो शादी से पहले वाला चक्कर था, लव वाला चक्कर था, लेकिन जिस हस्बैंड को दिल से होता है और अगर सही में होना चाहिए, ये लेडीज को मैं बोलती हूँ कि यही लेडीज अपने हस्बैंड को अगर चाहती है कि वो अपने हस्बैंड को से वो चाहती है, तो मुझे आपको लगता है कि महिलाओं को ये चीजें परंपरा जी आपको लगता है वो ये परंपराएं और संस्कृति की जो हम बात करते हैं, क्या वो ये सब चीजें कमजोर करती है किसी महिला को, हिंदुस्तानी महिला को, एक भारतीय नारी को? आपको ऐसा फील होता है आज के जमाने में? कमजोर जिसको दिल से, को मैं भी बहुत रिलीजियस हूँ, मेरे रिलीजन के मुताबिक मुझे तो सही लगेगा मैं करूंगी, इसलिए मैं ना वो परंपरा कमजोर करती है, हाँ वो माइंडसेट जरूर कमजोर करता है कि बहनों को विलीन करना चाहिए, बहनों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, बहनों को त्याग करना चाहिए, ये माइंडसेट बहनों को जरूर कमजोर करता है, बाकी जिस रिलीजन है हमको उसको रिस्पेक्ट करना है और वो रिलीजन के मुताबिक काम करे, हमको कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आप ये सोचती है? हाँ जी, मैं शुरुआत में भी ये बोलूँ, अभी मैं ये कह रही हूँ, ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, और ये आपको पास रखना है ये नहीं रखना है ये आपकी मर्जी होनी चाहिए। आप भगवान का नाम लेके भगवान के आड़ में किसी को ये मत कहो कि नहीं आपको व्रत रखना जरूरी है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भगवान कभी भी किसी को जानबूझ के किसी साथ गलत नहीं करते, आपके साथ गलत होता है वो भी आपका अपना कर्म होता है, और सही होता है वो भी आपका अपना कर्म होता है। कुछ करने ना करने से व्रत को आप रखोगे, अगर ऐसे धरती पे कितने लोग हैं जो दुनिया भर के दान करते
उतरती हैं महिलाओं के खासकर, आप भी इससे सहमत हैं? जी सर, ज्योतिष जी को पूछ लेते हैं, जी उन्हीं से पूछ लेते हैं। जी पंडित जी बताएं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के उसके ऊपर उनके विचारों में कोई कमी आती है। हमारे यहाँ स्त्रियों का बार बार ये जिक्र आ रहा है कि स्त्री ही व्रत क्यों रखती है। हमारे यहाँ स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, देवी को, स्त्री को देवी माना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी के अंदर, स्त्री के अंदर ही वो शक्ति है, वो त्याग है, वो समर्पण की भावना है। जो स्त्री व्रत के द्वारा अपनी पति की दीर्घायु के लिए, उसकी रक्षा के लिए, यानी कि उस देवी के अंदर ज्यादा सामर्थ्य है पुरुष से ज्यादा, इसलिए स्त्री अपने मन से, अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से उस व्रत को रखती है। और उस व्रत के रखने से उसके अंदर समर्पण की भावना है, त्याग की भावना है। ठीक है, जिसका मन नहीं है वो ना रखे, परंतु अगर जो मानता है अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने गुरुजनों को, अपने बुजुर्गों को, तो वो जरूर इस व्रत को या किसी भी व्रत को रखेगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि पुरुष क्यों ना रखे। आजकल के आधुनिक समाज में तो हर पुरुष रखना शुरू कर चुका है करवा चौथ का खासतौर से व्रत। ऐसा नहीं है कि ये परंपरा सिर्फ स्त्री तक सीमित है। जैसे कहता है कि माइंडसेट को चेंज करती है सब चीजें, मतलब तंग करती हैं और एक तरीके से कहीं ना कहीं उनको कमजोर करती हैं कि महिलाएं जो है व्रत रखें। ऐसा कहीं नहीं है कि माइंडसेट को कमजोर करती है, ये अपना भाव है, अपनी श्रद्धा है, अपनी शहर में या बड़े शहरों में कोई किसी को नहीं कहता जबरदस्ती के व्रत रखे। गांव देहात में हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसा हो, परंतु मेट्रो में कोई किसी को जी जूली सिर्फ गांव देहात उसकी बात की मानसिकता की बात है। ऐसी मानसिकता वाली लोग शहर में भी हो सकते हैं और गांव में भी। गांव में तो खूब है, खूब दबाव होता है, तुम्हारी बहन ने नहीं रखा, तुम्हारी बहन ने नहीं रखा, बड़ी प्रतिष्ठा की बात हो जाती है, वो तो बहुत ही भूल है। शहर में नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी माइंड सेट तो है, वहाँ भी माइंड सेट तो है कि अगर आप नहीं रख रहे तो कंडीशनिंग ऐसी होती है कि आपको खुद में लगता है कि हम नहीं कर रहे तो कुछ ऐसा बुरा तो नहीं हो जाएगा। ये जो गुलामी है, ये फीलिंग ना हो, और इस फीलिंग के बाद इस रूढ़ी से अलग होकर अगर हम कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। चलो अभी तो रूढ़ी में बने जी रहे हैं भाई, रखना ही है, जबरदस्ती है, छुपी हुई चीज लगती है कि हाँ सब लोग रख रहे हैं तो हमें भी रखना है। बचपन से जिस घर में होता है ये त्योहार, तो हम देखते हैं कि हमारी माँ ने दादी ने या चाची ने सुबह से ये व्रत रखा है, तो वो सारी चीजें हमारे अंदर अपने आप आती है। फिर हमारी जब शादी होती है तो हमको लगता है कि हम अपने पति के लिए व्रत रखे, तो ये सारी चीजें संस्कार से आती है। मैंने अपने पति के लिए व्रत रखा है सुबह से, तो मुझे तो बहुत खुशी है, बाकी जिसकी क्या सोच है मुझे फर्क नहीं पड़ता। जूली जो कह रही है बिल्कुल गलत है आपके साथ, नहीं ये इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि हाँ ये गाँव में जो गाँव के इलाके हैं वहाँ पे ये चीजें होती है कि भाई तुम्हारी बहू ने व्रत नहीं रखा या तुम्हारी बहू ने नहीं रखा, इस बात से मैं सहमत हूँ। तो मुझे जहाँ तक मेरी आसपास की महिलाएं तो बड़ी खुशी से रहती है व्रत, किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं होती है कि आप करवा चौथ का व्रत रहिए जबरदस्ती है, ये ऐसा नहीं है। सिर्फ गुलामी की